नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आप लोग मंडे वेडनेसडे को कौन से ट्रेड्स ले सकते हैं कल के दिन, और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें क्या अप्रोच लेकर चलनी है। मैं कल अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था और आज मार्केट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे वायरल हो चुका है। तो मैं आज भी वीडियो नहीं बना रहा था, बट कुछ करने के लिए नहीं था तो मैंने सोचा कि वीडियो ही अपलोड कर लेते हैं। सो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। सो कल कौन से ट्रेड्स लेने हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, और आज जो मैंने आप लोगों को दिया था उनके बारे में भी देख लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोगों के में डाउट आ रहा है, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे सेंचुरी टेक्सटाइल को लेके कि उस पर क्या अप्रोच करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं वो भी आपको अभी चार्ट के थ्रू बता दूंगा और आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंचुरी टेक्सटाइल का ही चार्ट ओपन कर लेते हैं, जो हम लोगों ने वीकली बेसिस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसके लिए मैं जो आप लोगों के लिए बता रहा था, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जब मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल का चार्ट आप लोगों के सामने रखा था, प्रेजेंट करा था, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। आप देखिएगा, मैंने बोला था ये वाली, मैं इसको हटा देता हूँ, हमने बोला था कि ये ग्रीन कलर का जब ब्रेकआउट आया था ग्रीन कैंडल का, हमने बोला था कि यहाँ पर आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ नहीं, जब ये पर्टिकुलर ब्लू कलर का जोन देख रहे हैं आप, ये जोन के ऊपर जब ये निकल जाएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। हमने कहा था जब इस जोन के ऊपर जब ये निकलेगा तब आपको बाय पोजीशन बनानी है, और मैंने बोला था कि हमें डेली चार्ट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मिनट की कैंडल आप कभी भी देख लीजिएगा चार्ट पे, अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, आप अपनी एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको वहाँ पर कहा था, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने वीडियो पूरी देखी है और सिर्फ ये स्टॉक को देखकर ही आप लोगों ने ट्रेड ले लिया हो, तो मैंने आपको कहा था 5 मिनट्स की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हम लोग सीधा 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, या मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए अब आप, अब हमने आपको कहा था कि 5 मिनट्स की क्लोजिंग चाहिए। अब आप देखिएगा कि अगले दिन ही हमने एक गैप अप ओपन देखा और हमने क्या देखा, ये 5 मिनट्स का ही मैंने कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन कर रखा हुआ टाइम फ्रेम, हमने देखा उसके ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली। आप देख सकते हैं ऊपर खुला, बट 5 मिनट की जो क्लोजिंग थी वो नीचे ही हुई थी। मैंने आपको कहा था कि एक कैंडल अगर 5 मिनट के ऊपर बना देती है, यानी कि इसका मकसद क्या होता है आप लोगों को बताने का, कि 5 मिनट तो एक रेजिस्टेंस के ऊपर वो ट्रेड कर ले, ये 5 मिनट भी ट्रेड नहीं कर पाए, वो स्टॉक नीचे आ गया। फिर आज रिकवरी दिखाई, रिकवरी दिखाने के बाद आज दोबारा ऊपर गया, और दोबारा भी हम देख सकते हैं कि उसने क्लोजिंग दी ही नहीं, ऊपर गया नीचे ही क्लोजिंग दी और दोबारा फिर नीचे आ गया। अब इस बात को समझ रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट्स की क्लोजिंग होगी तब आप अपनी एक इस वीक के लिए अपना एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में एक ने बताया भी था कि 5 मिनट्स की कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, आपने कंसेप्ट अच्छा बताया था, शायद उन्होंने ट्रेड ना लिया हो, और अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया तो पेशेंसली फिर आप लोग होल्ड करके रखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा क्योंकि ये मेरे अभी पोर्टफोलियो में है अभी भी, और स्विंग ट्रेड के लिए मैंने तो पहले से ही बाय कर रखा हुआ है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मेरे लिए होल्ड है। बट ये गलती मत करा करिए, जब आपको बोला जा रहा है कि 5 मिनट्स के ऊपर ही आपको बाय करना है क्लोजिंग पे, तो आप तभी बाय करा करिए। ठीक है, मैंने आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने होल्ड करा हुआ है तो आप लोग अभी भी बाय बना के बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ ग्रासिम का, जो मैंने स्टॉक सिलेक्शन आप लोगों के लिए कर रखा है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये जो जोन है, ये जोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, हम देख रहे थे ये जोन पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि जब ये जोन ब्रेक हुआ और ऊपर गया तो ये जोन रेजिस्टेंस बन गया, मल्टीपल बार रेजिस्टेंस बन गया, और दोबारा इस रेंज के अंदर ही काम करने लग जाता है। ठीक है, मैं अब आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस कम क्यों है। अभी उसका रीज़न ये है, आप यहाँ देखिएगा कि फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर हमें एक विक का रिजेक्शन मिला था, सेकेंड टाइम भी विक का रिजेक्शन मिला था, और थर्ड टाइम क्या हो रहा है कि मल्टीपल विक का रिजेक्शन हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, हर कैंडल ऊपर बन रही है बट हमेशा विक का रिजेक्शन हमें देखने को मिल जाता है, और कभी भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी भी इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं ढंग से मिल रही है। ये देख पा रहे हैं, इसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब स्टॉक ऊपर गया, इस रेंज के अंदर आ चुका है, यहाँ पर ही क्लोजिंग दे चुका अपनी रेंज के बॉटम पे, तो कल अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो शायद एक सेलिंग आ सकती है। मैं ज़्यादा सेलिंग की बात नहीं कर रहा, अप्रॉक्स इस लेवल तक आ सकता है।
इस लेवल तक आ सकता है जो कि अराउंड 617 के आसपास का लेवल होगा। तो मैं आप लोगों को लेवल्स टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, मैं इस वीडियो जब ये आप लोगों को फाइव स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसके बाद मैं वीडियो के एंड में एक वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। एक मिनट की वो वीडियो होगी जिसपे मैं बताऊँगा जो हमारे क्लाइंट्स हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, जिनके हम पोर्टफोलियो देखते हैं, मतलब हम रिकमेंड करते हैं, पर्सनली हैंडल नहीं करते, कि उन्हें कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, तो उन लोगों ने आज मुझे एक वीडियो भेजी जो उन लोगों ने रखे थे, जो मैंने रिकमेंड करे थे। शायद उन्हें 15 दिन ही हुए हैं वो रखे हुए, और 15 दिन में उनको 3% का रिटर्न मिल चुका है उनकी पूरी कैपिटल पे। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो हम क्या करते हैं। बेसिकली हम एक पोर्टफोलियो नहीं बनवाते, हम दो पोर्टफोलियो बनवाते हैं। सो उन्होंने मुझे आज एक का भेजा है, कल वो दूसरे का भेजेंगे, मैं दूसरे का भी आपको दिखाऊंगा। तो एक मिनट की अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बट कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, तब भी 3% उस कैपिटल में बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लेलैंड। या अब अशोक लेलैंड पे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ कि पर्टिकुलर स्टॉक ने एक फॉल करी, फॉल करने के बाद आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर आ चुका है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो रेंज है। अब हम क्या देख रहे हैं, इस रेंज पे एक माइनर हर्डल है जो ये लेवल पे आ रहा है। सेम एज ग्रासिम था, ग्रासिम ने एक ऊपर मूवमेंट दी, फिर हम देखते थे एक ट्रिपल टॉप टाइप सिनेरियो था, उसके बाद से नीचे आ रहा है। सेम यहाँ पर है, ये एक यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस इसे मिल सकता है, बट अगर ये क्रॉस करता है तो शायद अपने प्रीवियस हाई की तरफ ये जा सकता है जो कि इसका स्विंग हाई था। सो इसको कल हम वॉच करेंगे, अगर इसके ऊपर ये 5 मिनट्स की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और इसको भी हम लोग वॉच करके चल सकते हैं। सो लेवल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। जिस स्टॉक पर अगर मैं लिखता हूँ कि बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक अबव दिस लेवल एंड होल्ड, तो मतलब वो लेवल, जो लेवल आपको दिया जा रहा है और अगर आगे पीछे होल्ड लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर बंद होने दो उस लेवल के ऊपर, इतना तो आप देख सकते हो अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, और तब आप लोग ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक आता है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक क्यों रिकमेंड करा जा रहा है, आप देख सकते हैं एक स्ट्रांग रैली आई, स्ट्रांग रैली आने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि एक रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेने के बाद एक स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद हम क्या देख रहे हैं नीचे आया, और जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था उसको क्रॉस करने के बाद वहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है, और आज भी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, तो कल शायद ये अपने दोबारा इस हाई तक जा सकता है, कम से कम 5-6 रुपये दे सकता है, तो कल हम इसको भी वॉच करके चल सकते हैं। ज़्यादा इसके लिए प्रॉफिट के पीछे इसमें मत भागिएगा स्टॉक पे, बट ये कल हमें एक प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है भारत पेट्रोलियम BPCL। ये भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग इस पर अपनी बाय पोजिशन बनाना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे, इस टॉप से 470 के लेवल से एक शार्प फॉल आई। शार्प फॉल आने के बाद ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा, एक शार्प फॉल इस कैंडल पे भी आई और एक रिकवरी आ गई, और अब एक वी शेप तरीके की हम रिकवरी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, अब हम एक वी शेप रिकवरी देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये कुछ हर्डल्स थे, इस हर्डल्स को भी इसने क्रॉस कर दिया है, तो कल इस पे 430 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बाइंग आ सकती है, तो इसको भी वॉच कर सकते हैं। सिंपल एनालिसिस से सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझ में आ जाना चाहिए। अब आता है हिंदुस्तान होटल्स, ये मैंने आप लोगों को आज भी रिकमेंड करा था और आज भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है, प्रॉबेबली हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो कल भी आप लोग इस पर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, मेरी खुद की पर्सनल इस पर होल्डिंग है और मैंने अराउंड इसी लेवल पर होल्डिंग बना रखी है, तो आप लोग कल भी इस पर एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। एक छोटा सा हर्डल है जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, ये निकल जाएगा कल, तो भी हम लोग एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। मेरा अल्टीमेटली जो टारगेट है वो 94 से लेकर 95 तक का है, ठीक है। सो कल हम इस पर भी एक बाय पोजीशन देख सकते हैं। अब आते हैं हम गाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी आप देख सकते हैं कि इसने अपना प्रीवियस हाई को क्लोज कर दिया है और 3 मंथ्स हाई पर अभी तक चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि इसकी क्लोजिंग क्या हो रही है। जनरली हम देख रहे हैं, आप क्लोजिंग देखिएगा, ये देख रहे हैं इनडिसाइसिव कैंडल्स बना रहा है, ये अपनी क्लोजिंग पे ये इनडिसाइसिव कैंडल्स बना रहा है। अब जो मैंने ये वाली पर्टिकुलर कैंडल बना रखी थी, जो मैंने पर्टिकुलर आप देख सकते हैं एक अपर रेजिस्टेंस है, वो किस चीज़ का है वो भी देख लेते हैं हम लोग। या मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसे। या अब आप इस चीज़ को देखिएगा कि ये जो गैप है, ये गैप को फिल करना है। अब इस गैप को फिल करने के लिए इस पर्टिकुलर निफ्टी को 11,400 के ऊपर जाना पड़ेगा।
जैसे 11,400 के ऊपर जाएगा तो एक गैप फिल कर सकता है, जो कि इसका गैप का टॉप है 11,530 का। सो जब तक ये गैप के ऊपर ब्रेक नहीं करता, 11,400 के ऊपर ब्रेक नहीं करता और सस्टेन नहीं करता, तब तक हम लोग इस पर बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे। और जैसे ये सस्टेन करने लगेगा तब हम एक बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 11,530। ठीक है, सो इसमें कोई ज़्यादा हमें देखने का नहीं था। हम लोग अब सीधा आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आपको जूम करके दिखा देता हूं। अब बैंक निफ्टी ने जब ये पर्टिकुलर चैनल को तोड़ा था, चैनल को तोड़ने के बाद हम लोग ने आपको कहा था कि ये ट्रिपल बॉटम टाइप सिनेरियो बना सकता है, तो बाय मत करेगा। और अब ये चैनल के ऊपर दोबारा ट्रेड करना शुरू कर गया है, चैनल के अंदर आ चुका है। सो यहां पर एक बाइंग बन सकती है 2222, ये लेवल इंपॉर्टेंट था, तो 5x2 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि ब्रेक हो चुका है। सो कल अगर ये थोड़ी बहुत मूवमेंट देता है तो एक बाइंग आ सकती है। एक इंपॉर्टेंट लेवल और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो शार्प फॉल आया था, इस शार्प फॉल के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। सो कल हमें बस देखना इंपॉर्टेंट है कि अगर कल इसके नीचे खुलता है तो शायद एक सेलिंग आ जाए, बट अगर इसके ऊपर खुलता है और ये थोड़ा टाइम सस्टेन कर लेता है तो एक दोबारा बाइंग आ सकती है। ठीक है, कल अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कूल ऑफ करता है तो हम लोग बॉटम पे इसको दोबारा बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ये सेलिंग के लिए नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं बाइंग के लिए है, बट बॉटम पे बाय करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही थी मेरी आज की एनालिसिस। कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के स्टॉक्स के डाउट हैं वो अगली वीडियो पे कवर अप कर लूँगा। और अब आप ये वीडियो देख सकते हैं जो मेरे क्लाइंट ने मुझे एक मिनट की भेजी थी, और आप लोग अपना खुद का डिसीजन भी ले सकते हैं। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। मैं शिवाज भसीन, साइनिंग ऑफ।